तो अमूल के डार्क चॉकलेट में काफ़ी वैरायटी में आता है, ये ऑरेंज फ्लेवर है और ग्रीन टी में आता है, काफ़ी फ्लेवर्स में आता है, फ्रूट एंड नट्स में भी आता है। तो ये दोनों में अगर आप देखेंगे, डार्क चॉकलेट और जो ये मिल्क चॉकलेट है अमूल का, दोनों में डिफरेंस जो है मैं बता देता हूँ। ये जो है कोकोआ बीन से बना है, कोकोआ वो फल है जिससे कॉफ़ी और डार्क चॉकलेट जो है बनते हैं, तो ये कोकोआ बीन्स इसमें पड़ा है, ये मेन इसका इंग्रेडिएंट है। और ये जो है इसमें कोकोआ बटर पड़ा है, मतलब जो कोकोआ फल है उसका बटर, खाली बटर पड़ा है इसमें, तो इस वजह से इसमें टेस्ट कोकोआ की तरह थोड़ा लगता है क्योंकि कोकोआ बटर पड़ा है। और बाकी सब इंग्रेडिएंट्स जो हैं सेम है। शुगर देखिए दोनों में है, और उसके बाद मिल्क सॉलिड इसमें डाला गया है, वाइट चॉकलेट में। डार्क चॉकलेट में कोकोआ सॉलिड डाला गया है, कोकोआ जो फल है वो डाला गया है। उसके बाद कोकोआ बटर भी इसमें डाला है, इसमें भी कोकोआ बटर डाला है लेकिन कोकोआ सॉलिड नहीं डाला है, इसमें मिल्क सॉलिड डाला है क्योंकि ये मिल्क चॉकलेट है। और बाकी इसमें ये ऑरेंज फ्लेवर है तो इसमें ऑरेंज के पील्स डाले गए हैं, और इसमें ये तीनों फ्रूट्स के पील्स या जो भी हैं वो डाले गए हैं। उसके बाद बाकी सब इंग्रेडिएंट सेम है इनका, परमिटेड इम्यूलाइजर्स, बाकी सब सेम है। और प्राइस के हिसाब से देखें तो ये 125 रुपीज़ है और ये 140 रुपीज़ है, और दोनों ही 150 ग्राम का चॉकलेट है। फ्रूट के जो पार्टिकल्स हैं फल के, वो चॉकलेट ख़त्म होने के बाद आपकी जीभ पे बचेंगे, लेकिन फिर भी जो मज़ा डार्क चॉकलेट में है अमूल के, वो इसमें इतना नहीं है क्योंकि ये डार्क चॉकलेट है और ये मिल्क से बना वाइट चॉकलेट है ये, तो ये भी अच्छा है, ऐसी बात नहीं है। जिनको मिल्क पसंद हो, दूध, वो ये चॉकलेट ट्राई कर सकते हैं, और डार्क चॉकलेट की तो बात ही अलग है। ओके, दोनों ही अमूल के प्रोडक्ट्स है, ब्रांडेड है, ओरिजिनल है, काफ़ी अच्छे होते हैं, इनके काफ़ी वैरायटी होते हैं, आप ज़रूर ट्राई करिए। थैंक यू।